नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडियक साइन की सीरीज और इस बार हम देखेंगे अगस्त 16 टू 31 अगस्त क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव इस टाइम होने इंपॉर्टेंट हैं और क्या बदलाव आप करेंगे इस टाइम पे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप और गाइडेंस क्या होगा इस टाइम के लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जब नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे, आपकी क्रश की रीडिंग भी हम देखेंगे। अगर आप सिंगल्स हैं या फिर आप मैरिड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आप चेक करना चाहते हैं तो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, जहां हम रिलेशनशिप्स चेक करते हैं और जहां जैसी एनर्जी आती है आपके क्रश की एनर्जी, सिंगल्स की, यू नो मैरिड कपल हैं उनके और करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप ओवरऑल रीडिंग चेक करें जहां हम पर्सनल रिलेशनशिप को चेक करते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में हम आपके फाइनेंस, बिजनेस, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, आउटकम, ऑब्स्टिकल सब कुछ चेक करते हैं। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, सारे डायमेंशन को हम चेक करते हैं ओवरऑल रीडिंग में। सो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक करें पर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए, और ओवरऑल रीडिंग में आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस सब कुछ हम कवर करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि देखना कैसे है, जो हमेशा आता है क्वेश्चन, कैसे देखना है। सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है वैसे देखिए, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं अपनी राशिफल को चेक करते हैं वैसे ही आपको टैरो भी देखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको जो गाइडेंस देती है वो आपके कर्मा वगैरह, पास्ट के जो भी प्रारब्ध थे उसको लेकर आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन टैरो में आपको यू नो गाइडेंस मिलती है। सो टैरो को एज गाइडेंस देखें, आगे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, मैं आपको ऐसे गाइड करूंगी और उसके बाद गाइडेंस भी देती हूँ मैं आपको। सो इस बार हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे उसके लिए क्या और मैक्सिमम रेमेडीज या गाइडेंस दूँ, ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ के कम हो सके, या फिर जो चीज़ें जितनी बड़ी दिख रही हैं उतनी बड़ी ना हो और वो छोटी सी चीज़ यू नो छू कर आपको निकल जाए अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो, और अगर कोई ब्लेसिंग्स हैं तो उसको आप कैसे रिसीव करोगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल जितना गाइडेंस हो सके, जितनी डिटेल्स रीडिंग हो सके, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी करने की। डिवाइन को सरेंडर करते हुए जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। सो आपको सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को चेक करना है। सो आउटकम जब भी आपको रिसीव होती है तभी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर से कमेंट करें और यू नो ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। वीडियो पसंद आती हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगी, है ना। सो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय डियर टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक करेंगे 16 अगस्त टू 31 अगस्त आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और गाइडेंस इस टाइम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ को और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ हम चेक करेंगे। चलो नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ हम शुरू करेंगे। रिवाइन प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स, मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन अगस्त 16 टू 31 अगस्त क्या रहेंगे। रिवाइन प्लीज गाइड माई स्पिरिट गाइड्स माई एंजल्स टॉक टू माई प्लेस, प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। चलो नो कॉन्टैक्ट में है August 16 to 31st, divine please guide. Lovers. मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या है, डिवाइन 16 अगस्त टू 31 अगस्त क्या रहेंगे मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स, वन मोर टाइम प्लीज। Sure.
दो कार्ड्स आ गए हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरिस लियो सैजिटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 10, 11, 10, 7, 6, 15, 6, 6, 3, 7 and 9। ओके, मुझे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं मुझे। या तो इनको हेल्थ इश्यूज हैं या फिर लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। ये कार्ड आया था बट यू नो मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होने के पहले गिरा था तो मैंने इसे लिया नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान सच्चाई को देख पा रहे हैं क्लियरिटी से। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, जिसके चलते इनको तकलीफ मिल रही है लाइफ में। सो इनको ऐसी फीलिंग हो रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपना कर्मा भोग रहे हैं, जो गलत इन्होंने आपके साथ किया वो गलत इनको मिल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हैं। या तो इनको हेल्थ इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, या फिर ओवरऑल लाइफ में कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो कि हेवी तकलीफ है, हेवी प्रॉब्लम्स है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हेवी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा, जो कि असहनीय, हम कहते हैं ना कि सहा नहीं जा रहा है, वैसी तकलीफ। ठीक है, सो यस मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स में ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, जहाँ पे या तो पास्ट में कुछ गलत किया है इन्होंने, सो नहीं पा रहे रात को, मतलब इनको इनको जस्टिस करना है या तो आपके साथ, या तो ये जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, ऐसी एनर्जी। माय गुडनेस, ये क्या एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ये इंसान इस टाइम पे नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे। नेगेटिव मतलब ये होता है ना कि लो वाइब्रेशन हम कह सकते हैं, नेगेटिव मतलब लो वाइब्रेशन, जहाँ पे बहुत रातों की नींद उड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी आप कह सकते हैं, जहाँ पे इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको दी है, या तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके मन में प्यार बहुत रहेगा आपके लिए अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए रहेगा, फीलिंग्स बहुत रहेंगी, इमोशंस बहुत रहेंगे, इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी इनके मन में आपके लिए, जिससे कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। और मे बी या तो आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो इनसे, क्योंकि इनका एक ऑन एंड ऑफ वाला बिहेवियर है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ये इंसान कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, बस आते हैं जाते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे इस टाइम पे, या फिर पास्ट में कनेक्ट करना चाहा है इन्होंने आपसे, और आपने इनको, एक होता ना बाउंड्री आपने सेट कर दी, और आपने या तो आपने मूव ऑन कर लिया इनसे, या फिर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो और इनको आपसे रिकनेक्ट करना है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, और आपने तकलीफ दी है इनको, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप तकलीफ दे रहे हो, आप इनको हर्ट कर रहे हो जानबूझ के, जहाँ पे ये इंसान इस टाइम पे साइलेंट होंगे, अपनी तकलीफ़ों को अपने अंदर ही रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग्स में इनकी साइलेंस भी है और तकलीफ भी है, मतलब कैसे बताऊँ, लाइक एक अंदर अंदर घुटना होता है ना, वो एक एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है मुझे, फील कर पा रही हूँ उस एनर्जी को, जहाँ पे खुद को कोसना, रिश्ते में इन्होंने सही नहीं किया, या फिर आपको कोसना, या फिर यू नो चीज़ें सही नहीं हुई आप दोनों के बीच में, इंटेंसिटी इतनी हाई है, प्यार इतना है, लेकिन क्यों कुछ सही नहीं हुआ, एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन दिख रही है मुझे। ठीक है, जो कि इरिटेशन, अंदर इनकी इरिटेशन वाली एक फीलिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, जहाँ ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, इंटेंशन में इनकी अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन है। नेगेटिव वाइब्रेशन मतलब एक लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग होती है ना, जहाँ हम कोसते हैं लोगों को, अपने आप को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, घुटन फील होती है हमें, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, इंटेंशन अच्छे हैं, इंटेंशन में ये इंसान पॉजिटिविटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनियन चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जो भी पॉसिबल है इस रिश्ते में वो सब कुछ चाहते हैं इंसान इंटेंशन में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में अगर आ गए, या फिर आप इनके लाइफ में अगर रहोगे, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में रोशनी रहेगी, खुशियाँ रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, जो कि इनको अभी नहीं मिल रही है। ठीक है, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए क्रेविंग वाली एनर्जी रहेगी कि आप चाहिए लाइफ में, लेकिन आप नहीं मिल रहे हो।
ठीक है। सो आप ये समझ ले, ये एक एग्जाम्पल, बहुत गंदा एग्जाम्पल है लेकिन मुझे अभी यही समझ में आ रहा है। जैसे डायबिटीज पेशेंट होता है और उसको मीठा खाना मना होता है, वो एनर्जी, ठीक है, कि सामने मीठा रखा हुआ वो खा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही एनर्जी दिख रही है मुझे। ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान कि आप इनको चेज, मतलब आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि आप इनके बारे में जानो या फिर आप समझो कि ये क्या फेस कर रहे हैं, आपको कुछ कुछ पड़ी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है जहाँ ये चाहते हैं कि आप इनको चेज करो, आप में वो एनर्जी होनी चाहिए जहाँ पे आप पता करो कि इनके साथ क्या हो रहा है। या तो इनकी हेल्थ बहुत ख़राब है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है इनको, या तो ये इंसान किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ बहुत पेनफुल सिचुएशन है, ठीक है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं ना कि आप इतने ज़्यादा आप चेंज हो गए हैं जहाँ आपको पड़ी नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लाइफ में इनके क्या चल रहा है, आप वो देखना भी नहीं चाहते हो, आप देख भी नहीं रहे हो। आप जहाँ ये चाहते हैं कि आप देखें, आपको पता चले कि ये इंसान क्या फेस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ इनके लाइफ में जहाँ पे ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। हिम्मत नहीं है जो कि ऑब्स्टिकल है, फाइट करने का हिम्मत नहीं है इस रिश्ते में। जो फाइट करना होता है ना, जैसे कि एक रिश्ते में हमें एफर्ट्स लगाने के लिए, फाइट करने के लिए, उस रिश्ते में बने रहने के लिए, या तो अपने नेगेटिविटी से फाइट करना पड़ता है, या तो अपने आसपास के लोगों से फाइट करना पड़ता है, या तो आपस में ही फाइट करके, मतलब एक इंसान अगर जा रहा है, निकल रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती या फिर समझा के या फिर कन्विंस करके एक रिश्ते में रखना, सो वो एक जो स्ट्रेंथ होती है वो इनमें नहीं है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे इस टाइम ज़रूर कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कन्फ्यूज़ होंगे कनेक्ट करें कि नहीं कनेक्ट करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि कनेक्ट करेंगे ये, लेकिन अभी भी मुझे ये इंसान क्लियरिटी के साथ आते नहीं दिख रहे। हालांकि इंटेंसिटी बहुत हाई होगी इनकी, बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे आपके लिए, मतलब आप चाहिए इनको लाइफ में, ये ऐसा दिखाएंगे ज़रूर। और जब आएंगे तभी भी बहुत पैशनेट एनर्जी होगी, क्योंकि फायरी एनर्जी के साथ आएंगे आपके पास, बहुत ज़्यादा फायरी एक एनर्जी के साथ एंटर तो करेंगे, लेकिन थोड़े दिन में ही ये इंसान फिर से वही रेगुलर जो इनका यू नो ऑन एंड ऑफ होता है, मैसेज का जवाब नहीं देना या फिर यू नो कॉल को इग्नोर करना, या वही सारी चीज़ें ये रिपीट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक तो ये इंसान कन्फ्यूज़ होकर आ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी माइंड में स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। और नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ बहुत फायरी एनर्जी तो है, बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, लेकिन वो एकदम फायर की तरह एकदम भक से लगेगा और एकदम शांत हो जाएगा तुरंत से, वैसी की एनर्जी। सो आएंगे बहुत जोश में, बहुत फायरी एनर्जी के साथ, लेकिन एकदम से शांत भी हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ स्टेबिलिटी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, अभी भी कन्फ्यूज होकर इंसान आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत पैशन से रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप ओवरऑल लाइफ में या तो आप किसी न्यू लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में कोई और इंसान आए, या तो फिर इस इंसान से आप कोई स्टेबिलिटी चाहते हो, कोई ऑफर चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आप इनसे आप बहुत ज़्यादा डिमांड आपके नहीं है, आपके छोटे मोटे डिमांड से आप चाह रहे हो कि कम से कम ये इंसान ये तो पूरी करे, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत कुछ और नहीं चाह रहे हो आप, जो छोटी मोटी जो डिमांड्स हैं आप चाहते हो एटलीस्ट वो पूरी करें तब ये इस रिश्ते में इंसान आए, ठीक है। आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करोगे इस टाइम पे, मतलब एक ऐसी एनर्जी आपकी होगी, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है जहाँ बहुत नाराज़ है आप इनसे, या तो बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे आप इनसे। लेट्स सी कि क्या है ये, क्यों है डिवाइन टेबल यहाँ, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे लग रहा है आप जानबूझ के इनको नाराज़गी दिखा रहे हो, आप जानबूझ के आप गुस्सा दिखा रहे हो इनको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में है, सरेंडर नहीं कर रहे हो, मतलब झगड़ा है ना, लड़ाई आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, जिससे कि इनकी हालत ख़राब हो रही है। अगर आप सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपकी तरफ से ये देख रहे हैं ना कुछ, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जहाँ ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, और आप ऐसा लग रहा है आपको देखे कि आप जानबूझ के गुस्सा दिखा रहे हो, जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हो कि यू नो ये और ज़्यादा तकलीफ में आए, ठीक है। सो एक डेविल वाली एनर्जी आपकी इस टाइम पे रहेगी जो कि नेगेटिव है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई इंसान आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो उनको सीधा सीधा क्लोजर दीजिए और रिश्ता ख़त्म कीजिए, ना आपको उसको ड्रामेटिक वे में आगे लेके जाना है, ना आपको ड्रामेटिक वे में उसको ख़त्म करना है, ना उसको लटका के छोड़ना है। अगर आप लटका देते हो किसी इंसान को तो वो सेम एनर्जी आपके दूसरे रिलेशनशिप को ख़राब करती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े सा आप नेगेटिव वाइब्रेशन में इस टाइम पे रहेंगे, अपनी एनर्जीज पे काम करें इस टाइम पे, और उनकी एनर्जी जो देख रही हूँ ना मैं, एक डिवाइन लव फील करेंगे आपके साथ, एक कनेक्टिविटी फील करेंगे, एक इंटेंसिटी फील करेंगे जो कि डिवाइन लव वाली इंटेंसिटी है, लेकिन
क्लियरिटी अभी भी नहीं है उनके मन में, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ अगेन आप यही चाहते हैं, इंटेंशन आपके ऐसे हैं कि अगर ये इंसान आ रहे हैं, ये इंसान समझ बूझ के लेट में आए, आपको चलेगा, लेकिन जब आए तो इक्वल गिव एंड टेक करें तभी आए, समझ रहे हो। इंटेंशन आपकी ऐसी हैं कि आप अभी उनसे ज़बरदस्ती का एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, वो आना भी चाहते हैं तो आप उसको आने नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि बस दूर रहो और समझो चीज़ों को, और जब आओ तो ऐसे आओ कि इक्वल गिव एंड टेक कर पाओ, वैसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप क्या चाहते हो इस इंसान से, आप चाहते हो कि यार आओ तो कम से कम पीस लेकर आओ, शांति लेकर आओ, सेलिब्रेशन सक्सेस खुशियां लेकर आओ, वही एनर्जी में बार बार आपको और ट्रैवल करना मंजूर नहीं है, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। जहाँ विश है आपकी, आप इस इंसान के साथ रहना ज़रूर चाहते हैं लेकिन एक अच्छे वाइब्रेशन में, एक नेगेटिव वाइब्रेशन में आप नहीं चाहते इनके साथ कंटिन्यू करना, ठीक है। सो आप चाहते हैं कि या तो ये इंसान आए तो ऐसे आए कि एक खुशियाँ एक सेलिब्रेशन लेकर आए, जहाँ इनसे दो बात करने पर आपको खुशी मिले, आप इनसे ये चाहते हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान एकदम धमाके से आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं, जैसे ऑन होते हैं बहुत फायरी एनर्जी में वैसे तुरंत से ऑफ भी हो जाते हैं। सो आपको नहीं चाहिए, अब आपके लिए ऑब्स्टेकल लग रहा है, इसलिए आपको लग रहा है न्यू बिगनिंग अभी आपको नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, आप वेट कर रहे हो कुछ चीज़ों का। सो वेट कर रहे हैं आप, वेटिंग पोजिशन में दिख रहे हो, या तो इनको समझ आए चीज़ें, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं तो आप चाहते हो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो आप दोनों के बीच, या फिर दूरियां बहुत अगर आ गई हैं आप दोनों के बीच तो आप चाहते हैं कि दूरियां खत्म हो, और ये इंसान समझे, इनको ये दूर रहे आपसे, आपके इम्पोर्टेंस को आपकी वैल्यू को समझे ये इंसान, उसके बाद आपके पास आएँ, आप ये चाहोगे इस टाइम पर, ठीक है। सो एक क्लोजर देने का मन भी आपका ऐसा लग रहा है कि आप क्लोजर देना चाहते हो इस रिश्ते को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि चलो ठीक है यार और एक मौका दे के देखूँ कि क्या हो रहा है अब आगे, ठीक है। सो एक मौका आप तभी दोगे इस इंसान को जब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आएंगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत सुपर्ब है, थोड़े से नेगेटिव वाइब्रेशन में ज़रूर है आप, लेकिन सोच आपकी सही है कि ये इंसान समझे आपकी वैल्यू, और ये इंसान मुझे समझते भी दिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम रेस्टलेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग, अब हम चेक करेंगे मेरे मेष राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन, और मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन क्या रहेंगे उनके क्रश के टुवर्ड्स डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, 16th August टू 31st August, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, माय स्पिरिट गाइड्स, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे एक मोर दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 2, 6, 5, 7 एंड 7। सो 7-7 की स्ट्रांग एक एनर्जी है यहाँ पे, कोई स्पिरिचुअल चेंजेस इस टाइम पे हो सकते हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके पर्सन इस टाइम पे आपको कोई ऑफर देना ज़रूर चाहेंगे, ये बहुत फायरी एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं, ये बहुत पैशनेट है आपके लिए, इस टाइम बहुत पैशनेट रहेंगे और बहुत फायरी एनर्जी के साथ आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए, इनको सेलिब्रेशन चाहिए, इनको जो भी ये चाह रहे हैं ना उनमें एक पॉजिटिव रिस्पांस इनको चाहिए, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो आ रहे हैं ये इंसान, सो इनके साइन मैंने बोला ना कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, एक ऑफर के साथ इस टाइम ये इंसान आते मुझे दिख रहे हैं, या तो पास्ट में अगर आपने इनको प्रपोज किया था इन्होंने मना किया था तो इस टाइम ये
यू नो आपको कोई प्रपोजल देने के लिए आ रहे हैं या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये आए आपके पास तो आपके जो रिस्पॉन्स हो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, और ये आ रहे हैं आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बढ़ तो रहे हैं लेकिन प्रपोजल देते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रही है मुझे, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनको इंटरटेन करना है कि नहीं करना है, इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आप थोड़े कन्फ्यूज़ दिख रहे हो मुझे, और एक से एक यू नो या तो इन्होंने पास में आपको प्रपोज़ किया था और फिर से आपको प्रपोज़ करने के लिए इंटरेस्टेड है अभी, और आप जो है ना आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान फिर से आए फिर से प्रपोज़ करे आपको, इसलिए आप डिफेंस करते हुए दिख रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान को प्रपोज़ करें। फीलिंग्स आपकी थोड़ी सी ब्लॉक दिख रही है मुझे इनके लिए, ठीक है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि ये आपके लायक ही नहीं है, मतलब आपको कोई और अच्छा मिलना चाहिए, या फिर आप किसी और अच्छे को डिज़र्व करते हैं या फिर वेट कर रहे हैं आप किसी अच्छे के लिए, या तो या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, नो आई एम सो सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कोई ऑफर देते ज़रूर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इक्वल लव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अगर ये आपको प्रपोज़ करे तो आपकी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हो, ये ऐसा चाहते हैं। सो एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, मे बी कोई गिफ्ट दे सकते हैं और गिफ्ट के थ्रू आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आप खुशियाँ चाहते हो, आप अबंडेंस चाहते हो, आप ऐसे किसी इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो जो कि आपको मैरिज कमिटमेंट दे, जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, जिसके साथ आप यू नो सक्सेसफुल लाइफ आप जी पाओ, ऐसा लग रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि या तो ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है जिसके चलते आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इनके साथ आगे बढ़ के आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे, मुझे लग रहा है कि ये इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, और आपको कोई स्टेबल इंसान चाहिए, ठीक है, आपको कोई स्टेबल इंसान चाहिए, आपको या तो अपने स्टेटस का वो इंसान चाहिए जो कि आपको नहीं लग रहा कि ये इंसान आपके स्टेटस को मैच करते हैं, या फिर फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियली ये इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट ऐसा हो सकता है, या कुछ ना कुछ यहाँ फाइनेंस को लेके है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ये अपने फाइनेंस को ग्रो करके आपके बराबर हो के आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो ये इंसान में कुछ कमी है, कुछ खामी है जो कि इनको फील हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि उस खामी को ये पूरा करेंगे। वो फाइनेंस हो सकता है, वो फिजिकली कुछ हो सकता है, या फिर मेंटल हो सकता है, या फिर इमोशनल हो सकता है, कुछ ना कुछ इनके अंदर है लैकिंग जो कि ये चाहते हैं कि उसको पूरा करने के बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। या तो ये हमेशा अपनी बुराई करने वाले एक इंसान है कि मेरे में ये कमी है वो कमी है, उसको ठीक करना चाहते हैं, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने आपके सामने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि और एक बार ही आपको प्रपोज़ करेंगे, अगर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होंगे तो मे बी ये इंसान दोबारा आपको प्रपोज़ नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ मैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है, ये या तो फाइनेंशियली इन अबंडेंट नहीं है, या फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, और आपके लिए ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक ये नहीं कर पाएंगे, आपको इनको देख के ऐसा लग रहा है, और जो कि आपके आपके लिए ऑब्स्टिकल है। टू ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहते हैं, मे बी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर बहुत इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ये इंसान, और यू नो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, और ये इस टाइम कोई डिसीजन लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, या तो इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या तो ये बहुत डेड्रीमिंग कर रहे हैं, या तो बहुत इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जिसके चलते ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने ग्लो के लिए आप अग्रसर हैं, ऐसा लग रहा है, मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको देखकर, ठीक है। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं जहाँ पे ये आपके साथ यूनियन में आने के लिए, आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके साथ एक लाइफ देखने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट आपको करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे इस टाइम पे आके, मुझे ये इंसान थोड़े से इनडिसाइसिव दिख रहे हैं, जहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन माइंड इतनी क्लटर है इनके माइंड में कि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम प्रपोजल मिलना थोड़ा मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त 16 टू 31 अगस्त, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे वृषभ राशि वालों के लिए, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले, और
क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और गाइडेंस क्या होंगी इस टाइम मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ के लिए, करियर बिजनेस फाइनेंस हेल्थ रिलेशनशिप एवरीथिंग। डिवाइन प्लीज गाइड अगस्त 16 टू 31st अगस्त, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। चांस, गुड लक, एनर्जी, होप, नॉट एंड कॉशन। अगेन एविल आई की एनर्जी है यहाँ पे। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 1, 19, 10, 9, 6, 8 and 5। कुछ लोगों की एज यहाँ पे हो सकते हैं 36, 35, 32। यस, मुझे ये दिख रहा है। डाइस की एनर्जी यहाँ पे है, चांस की एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में। सो एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का, जहाँ पे एक सेकेंड चांस आपको मिलता दिख रहा है। ठीक है, या तो ये जॉब में हो सकता है, या तो ये कोई इंटरव्यू में हो सकता है जहाँ आपने इंटरव्यू दिया था और फिर इंटरव्यू इतना सही नहीं गया लेकिन आपको दोबारा कॉल आया इंटरव्यू के लिए, या तो ये हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप में हो सकता है चांस। मुझे यहाँ एक नहीं बहुत सारे चांस दिख रहे हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा चांसेस आपको मिलते दिख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, और ये चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, अपने ड्रीम्स को लेके कुछ ऐसा हो सकता है, ड्रीम्स को लेके हो सकता है आपके, या फिर कोई बिजनेस अगर आप सोच रहे थे तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, या फिर पार्टनरशिप के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ आपके ओवरऑल लाइफ में यहाँ मुझे या तो फाइनेंस, मुझे फाइनेंस ही दिख रहा है बेसिकली, कि कुछ एक अपॉर्चुनिटी और एक बार आपको मिल रही है, कोई चांस आपको मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उस टाइम कैंसिल हो गया था किसी रीज़न से, इस टाइम आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप अब्रॉड जा सकते हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एक एनर्जी है जो कि पूरी तरह से ख़त्म होकर फिर से रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है आपका, जॉब चली गई थी फिर से आपको बुलाया गया कॉल करके, या फिर इंटरव्यू आपने दिया था कुछ सही हुआ नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर से आपको कॉल आया वहाँ से। सो कुछ सेकंड चांस ओवरऑल लाइफ में मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, और करियर में मुझे यहाँ पे गुड लक दिख रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस, गुड लक की एनर्जी है, और नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे है, अगेन 10-10 की एनर्जी है। सो यस, कुछ तो एक कंप्लीशन दिख रहा है मुझे, कोई पैटर्न का कंप्लीट होना, माय गुडनेस, यहाँ पे सक्सेस सेलिब्रेशन दिख रहा है, माय गॉड। इस टाइम पे वृषभ राशि वालों के करियर में कुछ एक बिग शिफ्ट आ सकता है, या तो आपको कोई अच्छी जॉब लग सकती है अच्छे पैकेज के साथ, या तो आप बिजनेस अगर कर रहे थे अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं, फाइनेंस अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया है अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। सक्सेस सेलिब्रेशन दिख रहा है, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया कोई किसी प्रोजेक्ट में, अप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। ठीक है, सो कुछ सक्सेस सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके करियर में, जहाँ पे जो आप चाह रहे थे, जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे वो आपको रिसीव होता दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी नहीं आप इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे ना, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस, अब मैं स्टेबिलिटी की तरफ ही बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पे पावर लाइन्स की एनर्जी है, जो कि एनर्जी है रिलेशनशिप में। सो इस टाइम पे एक कनेक्टिविटी ज़रूर रहेगी आपके पार्टनर के साथ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप आप अगर सेपरेशन में भी हैं, अगर आप मैरिड भी हैं, करंट पार्टनर के लिए भी अगर आप देख रहे हो, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, जो भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक कनेक्टिविटी दिख रही है जहाँ पे एक दूसरे की टेलीपैथिकली आप लोग बात कर पाओगे। एक तो एक दूसरे की तकलीफ को समझना, एक दूसरे के इंटेंसिटी को समझना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे रिलेशनशिप में आप इस टाइम अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करोगे। ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट होगी, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। बहुत अगर हर्ट हैं आप तो इस टाइम हील हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको हील कर सकते हैं, और कोई एक इंसान यहाँ पे मैनिफेस्ट करता दिख रहा है, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो कि मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और
अगर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस टाइम पे मैरिज पॉसिबल हो सकती है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस आप देखोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान टेलीपैथिकली आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपको उनकी एनर्जी फील होगी, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। बहुत इंटेंसिटी हाई होगी इस टाइम पर रिलेशनशिप के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो टॉरस के लिए मुझे बेसिकली चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट दिख रही है इस टाइम। ये 15 डेज टॉरस के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। हेल्थ में भी होप की एनर्जी है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी या थोड़े अप डाउन अगर चल रहे थे तो इस टाइम बहुत सही रहेगी हेल्थ, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़े से आंखों में प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर होंगे तो। कुछ लोगों के मुझे पाइल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। डाइजेशन में इस टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। एसिडिटी की प्रॉब्लम चरम सीमा में हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें इस टाइम पे। कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दें इस टाइम पे। एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर आपको है तो इस टाइम रम चैंट करें, रम मंत्र का चैंट करें, रम 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 रम। और खाना खाने के बाद आफ्टर मील, जब भी आप खाना खा रहे हैं उसके बाद रम का चैंट करें 108 बार, ये जितना आप कर सकते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जो भी कर सकते हैं करें, ताकि आपकी फायर एलिमेंट आपकी बॉडी का बैलेंस हो, ठीक है। रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे, जहाँ पे नॉट जो बंधा हुआ है ना उसमें वो ऑब्स्टिकल है। मैरिज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को यहाँ पे, जो लोग मैरिज हैं, ठीक है, या जो कमिटेड हैं उनके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी जिसके चलते आपको लगेगा स्टक हैं आप। और ये स्टकनेस जो है ना, एक क्लैरिटी के मिलने पे ही आपको समझ में आएगा कि आगे आपको क्या करना है, जो कि इस टाइम आपको नहीं दिख रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं आप। आपको ऑफर चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। या तो ये मैरिड लोगों के लिए हो सकता है, या फिर ये ऐसे लोग हैं जो कि कमिटेड हैं और लेकिन कोई ऑफर नहीं मिल रहा है। कमिटेड तो है लेकिन मैरिज की कोई बात फिक्स नहीं हो रही है, फिर आगे नहीं बढ़ रही है बात। आपको पता है कि आपके पर्सन के साथ मैरिज होनी है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। या तो ये, या फिर कुछ लोग ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा किसी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को फील कर रहे हैं और बात आगे नहीं बढ़ रही है। या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, क्रश के लिए अगर देख रहे हैं आप तो वो प्रपोज नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बांध के रखी है। आपको लग रहा है कि चाह के भी इस रिश्ते से आप निकल नहीं पा रहे हो, ना इस रिश्ते में आपको ऑफर मिल रहा है, ना कोई क्लैरिटी मिल रही है, और ना इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर पा रहे हो। सो एक स्टकनेस सी एनर्जी रहेगी जो कि आपको ऑब्स्टिकल लगेगी इस टाइम पे, ठीक है। कॉजन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरऑल लाइफ में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम मैरिज वगैरह के लिए आप देख रहे हो, बहुत सतर्क रहें। कहीं नई जगह आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ ज्वाइन करें। जो चीज़ आप कमिटेड है ना उस पर ध्यान दें, जिस चीज़ से भी आप कमिटेड हैं उसको ध्यान दें। अगर रिलेशनशिप में कमिटेड हैं वहाँ थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अलर्ट रहें। जॉब में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हैं, कोई बॉन्ड साइन कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुली इस टाइम पे, ठीक है। कोई ऑफर इस टाइम आपको मिलेगा जहाँ आपको बॉन्ड साइन करना होगा, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई पेपर वगैरह साइन कर रहे हैं इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना ले, गुस्से में कोई डिसीजन ना ले, या तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हम कि बिना सोचे समझे हम कुछ भी डिसाइड करते हैं और एकदम ऑन द स्पॉट हम कोई डिसीजन ले लेते हैं। सो वैसे डिसीजन से इस टाइम बचे, और स्पेशली कोई पेपर साइन करने के टाइम पे, या फिर अगर मैरिज वगैरह इस टाइम फिक्स कर रहे हैं, या फिर मैरिज का डेट इस टाइम फिक्स कर रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा वेट करें, ये समय पार हो जाने दें 15 डेज, उसके बाद आप करें, ठीक है। जैसे एनर्जी दिख रही है, गुस्से में इस टाइम थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके पहले के स्प्रेड में भी हमने देखा थोड़ा सा आप इस टाइम पे डेविल वाली एक प्रवृत्ति में रहेंगे, जहाँ आप या तो बदला लेना चाहोगे, या तो आप किसी को हार्म कर पहुँचाना चाहोगे, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको। तो इस टाइम थोड़ा अपनी एनर्जीज पे काम करें, मेडिटेशन करें। अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं अपने गुस्से पे कंट्रोल तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा काल्मनेस आती है अंदर, इसलिए हम कहते हैं मेडिटेशन करें, ठीक है।
वन मोर टाइम प्लीज, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी अगर ले रहे हैं ना इस टाइम तो थोड़ा ध्यान दें, पेपर वर्क जो भी कर रहे हैं ना इस टाइम बहुत सा ध्यान देने की जरूरत है इस टाइम, ठीक है। दिस इज अ ब्लेसिंग्स, ओके, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट यू, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, पेशेंस रखें उसमें, डिवाइन इस टाइम में एंजल्स कंट्रोल लिए हैं इस सिचुएशन का, और जो भी इसके बाद आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी सोच के परे होगा, यू नो जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा होगा, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। येस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपने कोई डिसीजन अगर लिया है तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि वो डिसीजन बहुत सही है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है उस डिसीजन के साथ, ठीक है। माई गुडनेस, एक मिनट, क्या करना चाहिए मेरे टॉरस को, डिवाइन प्लीज गाइड, क्या करना चाहिए मेरे टॉरस को, वन मोर टाइम प्लीज। अफर्मेशन दीजिए, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप अचीव ज़रूर करोगे। प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे इस टाइम टॉरस के लिए, प्रॉस्पेरिटी है, करियर में कुछ बड़ा आप अचीव करने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हर इंसान यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं भी अचीव कर रहा है तो फिर भी करियर में आपके कुछ अपग्रेडेशन आ रहे हैं, कुछ ग्रोथ आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जो नहीं आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स हैं तो वहाँ मैनिफेस्ट करें, जो थॉट आप क्रिएट करते हैं वही आपकी लाइफ की रियलिटी होती है। सो पॉजिटिव अगर थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आउटकम आपको देगा, अगर नेगेटिव थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको नेगेटिव आउटकम ही देगा। सो आपकी थॉट आपकी ज़िंदगी को बनाती है, इसलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखें और एफर्मेशंस दें, मैनिफेस्टेशन करें जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने लाइफ में, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस, आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी, मिली है तो लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।